स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ब्राइट अकेडमी पब्लिक स्कूल फॉर क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। टुडे वी विल अगेन लर्न अबाउट द चैप्टर फर्स्ट, द एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स सी, वी रीड प्रीवियस क्लास दिस टॉपिक। नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक, द एटमॉस्फियर, वायुमंडल। द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। पृथ्वी के आसपास वातावरण में हवा की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। दिस थिन लेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सर ऑफ गैस, डस्ट एंड वाटर वेप्योर। इन पतली परत में गैसों, धूल और जल वाष्प का मिश्रण होता है। द एटमॉस्फियर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाई द पुल ऑफ इट्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल पुल आयोजित है। द चेंज इन द एटमॉस्फियर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर, द क्लाइमेट एंड क्लाइमेट। वायुमंडल में परिवर्तन से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। द एटमॉस्फियर इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू यूज इन मैनी वे सच एज। वातावरण कई मायनों में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। फर्स्ट, लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेकेंड, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। थर्ड, इट्स ट्रैप द हीट रेडिएटेड बाय द सन एंड कीप इज कंफर्टेबली वार्म। यह सूर्य से निकलने वाली उष्मा की गर्म हवा को फंसा देती है। फोर्थ, इट सेव अस फ्रॉम द सोर्सिंग हीट एंड हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। यह हमें चिलचिलाती गर्मियों और सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक, द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैविक वातावरण। द बायोस्फीयर, जीव मंडल। द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड। जीवमंडल या रहने वाली दुनिया एक संकीर्ण क्षेत्र पृथ्वी की, जहाँ भूमि, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ एंड इज वेरियस फॉर्म। हवा और पानी जीवन और इसके विभिन्न रूपों का समर्थन करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करें। इट इज पॉपुलेटेड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम। यह पौधे और जानवरों के साम्राज्य से आबाद है। एवरीथिंग हीयर इज कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर सच एज। यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे वी गेट प्रोडक्ट सच एज वुड, फ्रूट्स, गम, रेजिन, लैक एंड हर्ब्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें उत्पाद मिलते हैं जैसे जंगल से लकड़ी, फल, गोंद, राल, लाख और जड़ी बूटियाँ। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव देयर नेचुरल शेल्टर और हैबिटेट इन द फॉरेस्ट। कई जानवर और पौधों के जंगल में उनके प्राकृतिक आश्रय या निवास स्थान है रहने के। फॉरेस्ट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज मॉइस्चर इनटू एनवायरनमेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वातावरण में नमी छोड़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। दोज हेल्पिंग टू मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। इस प्रकार क्षेत्र के तापमान को कम करने में हमें मदद मिलती है। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड प्रोवाइड फूड टू मैनी एनिमल्स स्पेसियस। वन और घास के मैदानों में कई जानवर की प्रजातियों के लिए भोजन उपलब्ध है। ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। मनुष्य भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर है। एनिमल्स और आल्सो कैरी देम एंड देयर लोड। पशु भी उनको और उन्हें बाहर को ढोते हैं। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया हैव एडेप्टेड देमसेल्फ। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवरों ने खुद को अनुकूलित किया है। दीज लिविंग स्पेस आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। इन जीवित स्थानों को उनका निवास स्थान कहा जाता है। हेयर दे डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग एंड ऑफ्टन आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ वे अपने आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं और अक्सर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। Thus, a unit made up of plants, animals, and microorganism biotic factors in an area working together with non-living physical abiotic factors of the environment form an ecosystem.
इस प्रकार पौधे से बनी एक इकाई जानवर और सूक्ष्म जीव जैसे जैविक घटक निर्जीव के साथ मिलकर काम करने वाले क्षेत्र में पर्यावरण के भौतिक अजैविक कारकों के रूप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। एन इकोसिस्टम इज नॉट लिमिटेड बाई साइज, एक पारिस्थितिक तंत्र आकार से सीमित नहीं है। इट मे बी एज लार्ज एज अमेजन रैन फॉरेस्ट ऑफ एज स्मॉल एज पॉन्ड बाई द साइड ऑफ योर हाउस, यह अमेजन एक के वर्षावनों के रूप में बड़ा हो सकता है और अपने घर के किनारे तालाब जितना छोटा। ग्रासलैंड माउंटेन एरियाज ऑल हैव देयर ओन इकोसिस्टम, घास के मैदान पर्वतीय क्षेत्र सभी के पारिस्थितिक तंत्र हैं। एन इकोसिस्टम में ऑल्सो भी नेचुरल ऑन मैन मेड आर्टिफिशियल, एक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक या मानव निर्मित कृत्रिम भी हो सकता है। दे इकोसिस्टम मेंशन ईयरलियर आर नेचुरल वाइल द आर्टिफिशियल वंस और एक्यूरियम्स टेटेरियम एंड एग्रीकल्चर फॉर्म, पहले उल्लेखित पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक के जबकि कृत्रिम जलकुंड टेटेरियम और कृषि रूप हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव। एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ एन इफेक्ट ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, पर्यावरण की जीवित स्थायियों में कोई बदलाव परिवर्तन जीवों को प्रभावित करने के लिए मौसम बदलता है। द वेदर चेंज टू अफेक्ट ऑर्गेनिज्म, वाइल सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट सच चेंज एज दे हैव अडेप्टेड थेमसेल्फ, जबकि कुछ जीव इस तरह के बदलाव को सहन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद को अनुकूल बनाना है। मैनी अदर्स कैन नॉट कोप विथ दीज चेंज विच लीड्स ऑफ इन्वायरमेंट स्ट्रेस, कई अन्य लोग इन बदलाव से जूझ नहीं सकते जिससे पर्यावरण तनाव होता है। एनिमल्स फॉर्म विच हैव अडेप्टेड सर्वाइव वेयर्स द स्ट्रेस फॉर्म ओवर मैनी जनरेशन बिकम क्रिटिकल इंजर्ड एंड पॉसिबल इवन एक्सटिंक्ट, जानवरों के रूप में जो अनुकूलित किए गए हैं तनावग्रस्त रूपों के रहते हैं, कई पीढ़ी से अधिक गंभीर रूप से संकटग्रस्त और संभवतः विलुप्त भी हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस लीड टू चेंज इन लैंड फॉर्म एज वेल, पर्यावरण में बदलाव साथ ही साथ भू परिवर्तन में भी परिवर्तन होता है। सच चेंजेस मे और मे नॉट कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस तरह के बदलावों से जान और माल को नुकसान हो सकता है या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द चेंज, यह सब परिवर्तन की गति पर निर्भर करता है। वेदर इज इट इज स्लो, मौसम धीमा है। नोटिसिएबल और सडन एंड वॉलेंट, ध्यान देने योग्य या अचानक और हिंसक। The natural environment of the earth provide humans with resource needed to survive, progress and evolve. पृथ्वी का प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को जीवित रहने, प्रगति करने और विकसित होने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। Some of these resources are renewable such as sunlight and rainfall, while some are non-renewable such as minerals. इनमें से कुछ संसाधन नवीकरणीय हैं जैसे सूर्य का प्रकाश और वर्षा, जबकि कुछ गैर नवीकरणीय जैसे कि खनिज। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण। मैन इज अ नेचुरल लिविंग बीइंग एंड अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मनुष्य एक प्राकृतिक जीव है और पर्यावरण का एक हिस्सा है। ही मोडिफाइज ही सराउंडिंग और अडेप्ट हिमसेल्फ एज पर हिज नीड्स, वह अपने परिवेश को संशोधित करता है या अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को ढालता है। दीज नीड्स आर शेल्टर फूड एंड क्लोथिंग, ये जरूरतें आश्रय और भोजन कपड़े हैं। ही ऑल्सो मोडिफाइज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू सूट हिज सोशल बायोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स, वह प्राकृतिक वातावरण को भी अपने सामाजिक जैविक आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप में संशोधित करता है। दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इससे मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण होता है। दिस कंप्राइज ऑफ द बिल्ट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड डैम ब्रिज रोड बिल्डिंग ईटीसी
एंड द सोशियस कल्चरल इन्वायरमेंट। इसमें निर्मित पर्यावरण शामिल है जिसमें बांध, पुल, सड़कों, भवनों आदि और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। द सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल द लर्न्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर विच इन्फ्लुएंस थ्रू एंड बिहेवियरल प्रोसेस। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण सभी सीखा व्यवहार का योग है और व्यवहार जो प्रभाव सोचों और व्यवहार प्रक्रियाओं। दिस सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स हिज फैमिली। किसी व्यक्ति का यह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण अपने परिवार, स्कूल, समुदाय, पड़ोस, स्कूल कम्युनिटी, नेबरहुड, रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स, रिलीजन, कंट्रीज ETC, पड़ोस, ग्रामीण और शहरी स्थापना, धर्म, देश आदि। दिस सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो लिंक टू नेचुरल इन्वायरमेंट। इस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पीपुल लिविंग इन आइसी प्लेस सच एज लद्दाख वेयर थिक वुलेन क्लोथ एंड इट फूड मोस्टली बेस्ड ऑन बेरली एंड वीट। इस तरह में बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों लद्दाख में पहनने मोटी ऊनी कपड़े के रूप में और खाने के खाद्य ज़्यादातर जौ और गेहूं के आधार पर रहते हैं। दो द एयरली ह्यूमंस मोडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हालांकि शुरुआती मनुष्य ने विभिन्न कौशल और प्रौद्योगिकी पर्यावरण के साथ विद द इन्वायरमेंट विथ डिफरेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्राकृतिक वातावरण का संशोधित किया। विद द कमिंग ऑफ मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन एंड रैपिड इंडस्ट्रियल, द इन्वायरमेंट इज बींग एक्सप्लॉयड इंडिस्क्रिमिनेटली। बड़े पैमाने पर उत्पादन और तेजी से औद्योगिकरण के साथ पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। द फॉरेस्ट आर कट डाउन रूथलेसली, द अर्थ इज डॉग अप फॉर इज मिनरल वेल्थ विच इज बेडलिंग रैपिडली। जंगलों को बेरहमी से काटा जाता है, पृथ्वी अपनी खनिज संपदा के लिए खोदी गई है जो तेजी से घट रही है। These had lead of problems such as air, soil and water pollution and deforestation. इसमें वायु, मृदा और जल प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी समस्याएं पैदा हुई। All this make up the environmental degradation. यह सब पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनता है। Different environments have different qualities and use. विभिन्न वातावरण अलग गुण और उपयोग करता है। Each has to be nurtured, conserved and cared for. यह संरक्षित पोषित किया जाना है और वर्तमान भारत के लिए परवाह है। The needs of the hour is to use the natural resource with due diligence and care. समय की आवश्यकता है कि परिश्रम और देखभाल के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। This can be done by checking the growth of population, reforestation, prohibiting the use of polythene and promoting the use of CNG and environment-friendly biofuel. यह जनसंख्या की वृद्धि, पुनर्वृत्ति निषेध, पॉलीथीन के उपयोग को बढ़ावा देने और CNG के उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल जैव ईंधन और बढ़ावा देने की जांच करने किया जाता है। Okay student, you have got each and every point. Now coming next video to your exercise. Okay, see you soon next video. Bye bye.